हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा मिर्धा और आज हम बनाने वाले हैं वाटर स्पिनच की सब्जी। इसको बंगाली में कमली साग भी बोलते हैं। इसे मैं अंडे से बना रही हूँ आज। तो ये साग हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और पर्सनली मेरी फेवरेट साग है। ये जो साग है ना, ये जो महिलाएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उन महिलाओं के लिए ये वरदान जैसा है। इस साग को हमें उन्हें डेली बना के खाना चाहिए। इससे बच्चों को कभी दूध की कमी नहीं होती है। तो हमें वाटर स्पिनच साग ले लेनी है और प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और लहसुन का भी ले लेना है। साग को हमें अच्छे से धोकर उसे कट कर लेना है और लहसुन की कलियों को भी छील लेना है। देखिए, इस तरह की साग होती है। ये तालाब में मिलती है, पानी के ऊपर होती है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंडे को इसे बॉईल कर लेना है हमें और अंडे को फिर बॉईल करने के बाद ऐसे आधा आधा कट करके उसके ऊपर हल्दी, मिर्ची, नमक छिटक देना है। फिर एक कढ़ाई गरम कर लेना है, उसमें 2 चम्मच तेल डालना है। आपको अगर ऐसी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, हमें प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची को डाल देना है। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बस थोड़ा सा गुलाबी होने तक इसे फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर टमाटर को डाल दे, थोड़ी देर इसे फ्राई करें, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फिर 1 चम्मच हमें मिर्ची पाउडर डालना है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग ले, नमक अपने स्वादानुसार ले। फिर इसे अच्छे से मिला ले। फिर हमें साग को डाल देना है इसमें। फिर इसे अच्छे से मिला लेना है। ये साग खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। देखिए, फिर जो अंडे हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिए थे उनको इस तरह से हमें साइड से एक एक करके सजा देना है और अंडों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से फ्राई करना है। साग को भी अच्छे से पका लेना है और जो मसाला बाकी रहता है उसको अंडे के ऊपर से लगा देना है हमें थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह आप ज़रूर बना के खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है और अंडा भी हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है और ये साग तो बहुत ही हेल्दी होती है। जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है। फिर हमें थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम चेक कर लेंगे, नीचे से जल ना जाए आपको चेक करना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। देखिए, इसे पलटा देना है इस तरह से, धीरे धीरे करके करना है। फिर हमें अच्छे से अंडों को भी, अंडे के ऊपर आपको अगर थोड़ा सा तेल की ज़रूरत हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। साइड साइड से फिर अंडों को धीरे धीरे करके पलटा ले। देखिए, एक साइड से हमारा अंडा गोल्डन हो चुका है। सारे अंडों को ऐसे ही पलट ले। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
इस तरह हमें अच्छे से इसे भून लेना है। ये आप चावल के साथ भी खा सकते हो और रोटी के साथ भी ले सकते हो। अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो आप अंडे को मत डालिए, इस ऐसे ही आप साग को बना सकते हैं। देख सकते हैं हमारी सब्जी बन चुकी है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है और हमारे हेल्थ के लिए भी हेल्दी है। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।